नमस्कार, राजेश्वर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो में आपको राशि क्या होती, क्वांटिटी, राशि क्वांटिटी क्या होती, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सकता है उसे राशि कहते, यानी जिसे कोई संख्यात्मक मान हम दे दें तो वह क्या कहलाएगी, राशि। जैसे किसी व्यक्ति का मासिक वेतन, किसी छात्र का विज्ञान में प्राप्त अंक, देश की जनसंख्या आदि। जैसे मासिक वेतन 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, और मान लें साइंस में उसने 100 में 80 अंक प्राप्त किया, तो यहाँ केवल यूनिट की आवश्यकता नहीं है। जैसे देश की जनसंख्या, किसी देश की या हमारे देश की जनसंख्या 1,30,00,000,000 है, तो यहाँ यूनिट की आवश्यकता नहीं है, राशि में यूनिट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, किसी पिंड पर लगाया गया बल आदि क्या है, भौतिक राशि है। जैसे व्यक्ति का द्रव्यमान 50 कह लेंगे तो इससे तो पूरा होगा नहीं, यानी व्यक्ति का द्रव्यमान 50 kg, यानी उस संख्यात्मक मान भी होना चाहिए और यूनिट भी होनी चाहिए, संख्यात्मक मान भी यूनिट। या किसी पिंड पर 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन तब पूरा होगा, यदि किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगा है तब वो पूरा होगा। तो ये क्या है, भौतिक राशियां होती हैं। लेकिन राशि की केवल बात आती है तो केवल वो संख्या से ही कंप्लीट हो जाता है, केवल संख्या से ही कंप्लीट हो जाता है। तो ये कहते हैं राशि, जिसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सकता है उसे राशि कहते हैं। वह केवल क्वांटिटी से, संख्या से ही संपूर्ण होता है। लेकिन जब भौतिक राशि की बात आती है तो उसमें संख्या और यूनिट दोनों की आवश्यकता पड़ती है। नमस्कार।